भाई ये भाई देख रहा है। कार्तिक भैया उसके पापा जितना हो गया मगर बुद्धि नहीं है। तो हमारा पोता बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है, वो बहुत सोता है। 6 साल मेहनत कर लो सारी जिंदगी एस कीजियो। हे व्हाट्सअप गाइस, बैक टू न्यू वीडियो। मैं आपका दोस्त हर्षपाल, आप देख रहे हो हर्षपाल। मैं आपका स्वागत करूँ मेरे चैनल में कि बड़ों को पान लगाओ, बच्चों को हेलो जी क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सबके बढ़िया रहेगी। तो आपके हाल जैसे भी कमेंट बॉक्स में बता दिया, मैं कमेंट सबके पढ़ लेता हूँ, पर अभी आप कमेंट ही नहीं करते भाई। तो बस अभी सुबह का समय हो रहा है, मतलब अभी दोपहर का बज रहे 1, तो सुबह का समय नहीं हो रहा। मैं अभी जस्ट नहा के बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है तो समझा करो लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह कुछ करता नहीं, सोते सोते रहता हूँ। तो मुझे क्या कुछ बता नहीं जैसा है नहीं। तो अभी मम्मी पापा और मेरे बहन गए, किसी का वास्तु हुआ है तो उधर गए, तो कुछ खाने मतलब खाने का बुलाया, इनवाइट किया है तो उधर गए। और तुम्हारा भाई का आज है सैटरडे, तो आज डैडी मेरे लिए बनाना प्लस फ्राई चवड़ा कुछ रख के गए, तो वही खाने का है आज। मुझे पता है दिस डे मतलब आज के दिन पे मुझे बहुत भूख लगने वाली है, माइंड सेट हो गया मेरा ये, तो बहुत भूख लगेगी, देखते क्या सीन रहता है। लेट्स गो फैब। और मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ, लाइन में कितना काम हो चुका, मतलब सिर्फ सीन दिखा देता हूँ, वैसे मेरे को भी नहीं मालूम पड़ता कितना काम हो गया। और अभी करीबन 13 या 14 डेज लगेंगे पूरा RCC रोड बनने में, तब पूरा बन जाएगा भाई, नेक्स्ट लेवल सोसाइटी हो जाएगी, तो मजा आएगा। बने रहिए व्लॉग में, व्लॉग बिल्कुल पसंद आए प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ। तो पहले मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ, लेट्स गो फैब। अभी मैंने लाइन आपको दिखा दिया रहेगा, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी बोल रहा हूँ 13-14 डेज लगेगा पूरा कंप्लीट होने में, तो फिर मजा ही आ जाएगा। और अभी मैं बनाना और कुछ खाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 1 बज गया सुबह से कुछ खाया नहीं, तो भूख भी लग रहा है मेरे को, तो कुछ खाते हैं फिर जो काम करेंगे वो बताते हैं आपको। अभी मैं सो के उठा हूँ और मुँह धो के आपसे बात करते हैं फटाफट से, लेट्स गो। अभी आरती भी हो रही है और अपने शनिदेव भगवान के मंदिर भी जाना है, लेट्स गो। सो गाइस, अभी मैं अभी सब मुँह धो के आ चुका हूँ और मैं और कार्तिक भाई निकलेंगे अभी बाइक पे डैडी की। भाई ये भाई देख रहा है तो अभी निकलेंगे बाइक पे, तो ये भाई के साथ जाएंगे अब। तो अभी निकलते हैं बाइक से थोड़ी देर में, लेट्स गो फटाफट से शनिदेव भगवान के मंदिर जाएंगे, फिर वहां से दादा दादी से मिलने भी जाएंगे फटाफट से, लेट्स गो। सो गाइस, अभी जाते आते हम फ्राई चिवड़ा खा रहे हैं और अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये भाई मिर्जापुर देख रहा है, मैं बता दूँ ये कब मिर्जापुर देखता है, जब हमारे घर में कोई नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली इस सीरीज में एब्यूज वर्ड यूज करेंगे तो ये भाई जब ऊपर कोई नहीं होता तब आ जाता है मिर्जापुर देखने। सेकेंड सीजन का कौन सा एपिसोड है, 3rd या 4th एपिसोड चल रहा है। तो मैंने तो पूरी पता ली है, लैपटॉप था मेरे पास तो मैंने पूरी पता ली। और मैं बता दूंगा ये सीरीज और ये एपिसोड 1 नंबर है, तो अगर आपको भी देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत लेट देख रहे हैं, मालूम है बहुत पहले आई थी, पर जितनी बार देखो उतनी बार कम है, मैंने एक बार देख लिया फिर भी ये देखने का मन करता है। तो भी फटाफट से निकलते लग कार्तिक भैया। तो गाइस, अभी दर्शन करके आ चुके हैं, अभी हम एंड गेस व्हाट, अभी हम जा रहे हैं दादा दादी से मिलने, लेट्स गो। फटाफट से अपनी गाड़ी उठाते हैं, ये रही अपनी गाड़ी। गैस वॉट, हमने अम्मा मां से सबसे बात करी, अम्मा हाय बोलो। कार्तिक कार्तिक बोले हमें अपनी जाति लगी है, अम्मा का हाय बहुत फेमस हो जाना चाहिए इससे जल्दी। तो अभी थोड़ी देर में बात करते, दादा भी आ गए था। अम्मा कुछ बोलोगे मेरे बारे में? आज मेरा, मैं बोलती हूं, आज मेरा हर्ष उसके पापा की टी-शर्ट पहने है, उसके पापा जितना हो गया मगर बुद्धि नहीं है। अम्मा आप कुछ बोलना चाहोगे मेरे बारे में कुछ अच्छा आपके लिए? हमारा पोता बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है,
वो बहुत सोता है। नहीं हमारे बेटे अच्छी पढ़ाई पढ़े, अच्छे गुण सीखे, जो हमारा नाम रोशन करे। सो गाइस अभी हमारा खाना आ चुका है, मैथी के तेपले बनाए हैं। बोलो मैथी के तेपले बनाए हैं, हर्षु मैं स्वाद से खाएगा। हाँ तो चलो बोल। हम तो तुम्हारे बारे में एक ही बात बोलते हैं बेटा, 6 साल मेहनत कर लो सारी जिंदगी ऐश की जियो, और 6 साल खेलोगे तो सारी जिंदगी गधे बन के रहना पड़ेगा। नहीं गेम तो नहीं खेलता मैं। गेम खेलो खेलो कैसे भी करो, मेहनत करो। 6 साल, 6 साल का ही है, 6 साल में तुम राजा हो और 6 ही साल में भिखारी। माँ बाप कुछ बोलना चाहोगे? अम्मा कब से रेडी है बोलने के लिए? हमने बेटा बहुत कुछ बोला है। हाँ, बच्चे पढ़े और मेरा नाम रोशन करे। Obviously, होगा होगा। चलो मैं जाऊँ ना, कृष्णा तुम्हारे पास रुक रहा हो। कृष्णा चलो बाबा अभी हम निकल रहे। So guys, अभी निकलते हैं घर के लिए। बाय बोलो, बाय बाय दादा, बाय बाय माँ। वो जाता तो तू हाल चला जाता, उसने बोला आज मैं रुकूंगी। शांति से चल रहा है, नहीं रुकने वाला वो। लाओ फोन। क्यों फोन दो? अरे दो ना। उसका फोन क्या बोला? मम्मी आपका फोन ले जाओ। नहीं है मेरा रहने दे, मैं वो शूट करने का है। नहीं आंसू यार, मेरा तो बोल दे ना, मैं चाहिए ना मेरे भाई। इसमें है नए थे वाला। अरे शूट करने का मेरा। हां आगे करूंगी, बताइए घंटे बाद। हम तो निकलते घर के लिए। उम्मीद करता हूँ रहेगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया रहेगा, क्योंकि आज हम गए सनी देओल के मंदिर और आज जिम नहीं गए। मम्मी को पता है कि हम जिम गए पर आज हम जिम नहीं गए, तो बन हमारा आज जिम बस। तो फिर दादाजी से मिल के हम निकल पड़े क्योंकि प्रिया दीदी यहाँ पे अकेले तो इधर आ गए फटाफट से। तो बस मैं इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करूँगा। तो अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं जल्दी ही अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय गाइस।